बर्तानिया हुकूमत 13 जुलाई 1931, श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने हुई गोलीबारी में बहुत से लोग मारे गए थे। इसी दिन को यौम शहदा के रूप में मनाया जाता है। 1 अजान 22 शहीद। 13 जुलाई 1931, एक बड़ी तादाद में कश्मीरी मुसलमान श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने जमा हुए। वो नौजवान अब्दुल कदीर के साथ यारे यकजहती के लिए जमा हुए थे, जिन पर डोंगरा राज ने बगावत का इल्जाम लगाया था। इसी दौरान नमाज का वक्त हुआ, मजमे में से एक मुसलमान उठा और अजान देने लगा। डोगरा सिपाहियों ने उस पर गोलियां चला दी। कश्मीरी मुसलमान की अजान अधूरी रही। एक और मुसलमान उठा और जहां से पहले शख्स ने शहादत की वजह से सिलसिला तोड़ा था, उसने वहीं से अजान का सिलसिला जोड़ा। फिर एक और गोली चली और उसको भी शहीद कर दिया गया। अजान को मुकम्मल करने के लिए एक और शख्स उठा, यहाँ तक कि एक के बाद एक 22 मुसलमानों ने अजान को मुकम्मल किया और शहादत का रुतबा पाया। 22 मुसलमानों ने शहादत पसंद की, लेकिन अजान अधूरी नहीं रहने दी। दुनिया के इतिहास में ये इस्लाम की वो तारीख है, ये वो वाहिद अजान है जिसको 22 शहादतों का फक्र नसीब हुआ। 22 शहीदों का खून बहा और अजान मुकम्मल हुई। तसव्वुर कीजिए कि अजान जारी है और 22 जाने बारी बारी शहादत हासिल कर रही है। अजान की खातिर, हक की खातिर, हक के खुद इरादियत की खातिर। ये वाकिया यूरोप या अमेरिका में होता तो इस पर अब तक सैकड़ों किताबें, कम से कम 20 फिल्में जरूर बन गई होती। लेकिन ये भारत का मामला है, इसलिए भारत के मुसलमानों ने ना एक किताब लिखी, ना कोई फिल्म बनी और ना बन सकेगी। दुनिया में जबर और मजाहिमत के खून रेजी वाकयात में ये 22 शहीद और एक अजान सरे फहरिस्त रहेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं SD24।